आज जम्मू कश्मीर में उबे हैं और अम्मी को यकीनी बनाया जा रहा है तथा अज्म था हर घर जल से जल सिकल सेल की बुनियाद रख रहा है। जम्मू कश्मीर ने विकसित भारत के आदर तरीन हदफ की जानेब फैलेगा विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। भारत के नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। वंदे वंदे बड़े मानवीय उठिए लगे मेरा नाम विशाली भगत है, मैं दबुज पंचायत से हूँ। जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो मैंने आंगनवाड़ी में अपना नाम रजिस्टर करवाया, जिसमें मुझे PMMVY स्कीम के तहत 3 installments में 5000 का फ़ायदा हुआ। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने ये स्कीम चलाई, और अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स का जिन्होंने मुझे इसके बारे में अवेयर कराया। धन्यवाद। मेरा नाम शमी बागल है, पंचायत दबुज शहादत से बिलोंग करती हूँ। हमें पहले बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, हमें खाना बनाना पड़ता था, बड़ी मुश्किलें आती थी। अभी हमें लकड़ियाँ लेने जंगल में जाना पड़ता था, उसे बड़ा ज़्यादा धुआं होता था जिससे प्रदूषण होता था, हमारी आंखों की बीमारियाँ होती थी, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जब से हमें मोदी जी ने गैस सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध की हुई है तभी से हमें बड़ा आराम है, हमें खाना बनाने में कोई मुश्किल नहीं आती है। दूज पंजाब से बोल रहा हूँ, मेरा नाम गौतम सिंह है, मैं किसान हूँ। अब हमें साल का 6000 रुपये मिलता है, उसे हम बीज टाइम का मिल जाता है, खाद टाइम का मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाती है टाइम की। पहले बहुत मुश्किल थी, लोन लेना पड़ता था, किसी उधार लेना पड़ता था, तो बहुत मुश्किल थी। मेरा नाम सनी कुमार है और मेरा गांव दबुज काका, पंचायत दबुज शहजादा है। पिछले दिनों में मुझे कुत्ते ने काट लिया था, जिस वजह से मैंने आयुष्मान कार्ड लेके हॉस्पिटल में गया, जहाँ पर मेरा बिल्कुल ट्रीटमेंट सारा फ्री में हुआ, और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हम प्रधानमंत्री साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने चाहते हैं जो सुगात ये लोगों को दी है। मेरा नाम गीतू है, मेरी मदर एकदम बीमार हो गई, एक दिन उनको घर में वो गिर गई, मुझे एकदम याद आया कि उनका मैंने आयुष्मान कार्ड बनवाया हुआ है, जो प्रधानमंत्री साहब ने हमें ये दी हुई है फैसिलिटी 5 लाख की। टेस्ट भी हुए, उनका वॉल भी पड़ा, और उसके बाद वो ऊपर वाले की दया से ठीक ठाक है। तो मैं प्रधानमंत्री साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ, और मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप भी आओ और इसका लाभ उठो। मैं बोलती हूँ कि क्यों नहीं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे प्रधानमंत्री है, हम इस देश के रहने वाले हैं, हम इस देश के नगरवासी हैं, तो हमें क्यों नहीं इस देश की योजना का फ़ायदा लेना चाहिए। मैं सीमा दबुज से बोल रही हूँ। तो मोदी जी ने हमें मकान दिया था, तो पहले हमारा कच्चा मकान था, बहुत दिक्कत आती थी, बारिश होती थी, बहुत बुरा हाल था, अब ठीक है मकान दिया तो। धन्यवाद मोदी जी का।